हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोड़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14 इंच है, चौड़ाई हमारी 12.5 इंच है। 6 इंच पे हमने मोड़े का निशान लगाकर काटा है। ऊपर से हम 2.25 इंच गले की डी लेंगे और गले की डीपनेस 10.5 इंच लेंगे। यहाँ पर देखिए बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए, हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया है और इस तरह से देखिए गले का शेप दे दिए हैं। 1-1 इंच यहाँ पर से और लेते हैं और इस तरह से निशान लगा लेते हैं और अब हम इसे काट लेंगे। तो ये देखिए, हमने गले को काट लिया है। ये यहाँ पर हमने एक कागज़ ले लिया है और ये जो पैटर्न हमने काटा है इसे हम यहाँ पर रखते हुए पहले आगे से सेम निशान और पीछे से 1 इंच ज़्यादा लेते हुए काट लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से पैटर्न कट कर तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए, ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से पहले फैला लेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैला लेंगे, हर जगह पिन अटैच कर लेंगे और अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से गले की सिलाई लगा लेनी है। अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए नीचे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है और यहाँ पर देखिए बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे, हल्का हल्का कट लगा लेंगे इस तरह से देखिए, और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए, अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को मिलाते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगा लिए हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने कुछ चौकोर कपड़ा लिया है, इसे मोड़ते हुए त्रिभुज की तरह सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, त्रिभुज की तरह मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने बहुत सारे पैटर्न बना लिए हैं और यहाँ पर देखिए हम ऊपर से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से नीचे भी बराबर रखते हुए अटैच कर लेंगे, दोनों कोनों को मिलाते हुए अटैच करते जाएंगे। तो देखिए, हमने अटैच कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, हम कुछ तिरछी पट्टियाँ ले लिए हैं, इसे आपस में जोड़ लेंगे और एक साइड मोड़ लेंगे। अब हम दूसरे साइड से अपने गले के ऊपर अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का कट लगा लेंगे और इसे मोड़ते हुए पाइपिंग बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हम यहाँ पर लेस ले लेंगे और पाइपिंग के बाद लेस लगा लेंगे इस तरह से देखिए, और इसे देखिए हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। पहले पिन अटैच कर लेते हैं और इसके बाद अब हम सिलाई लगाकर इसे पक्का बना लेंगे। तो ये देखिए, सिलाई लगाकर पक्का हो गया है। और यहाँ पर देखिए, हमने और कुछ चौकोर कपड़ा लिया है, इसे देखिए इस त्रिभुज के बाद दोनों कोने को मोड़ते हुए इस तरह से देखिए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमने बहुत सारे पैटर्न यहाँ भी बना लिए हैं और इसे नीचे साइड इस तरह से देखिए रखते हुए सिलाई लगाते जानी है। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है और अब हम ऊपर से लेस लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से लेस भी लगा लिया यहाँ पर। अब हम ऊपर से गले पर लेस लगाएंगे।
देखिए हमने लेस लगा लिया है यहाँ पर भी, यहाँ पर नीचे का दोनों प्लेट बना लेंगे इस तरह से। देखिए अंदर का जो कागज़ है उसे हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज को मिलाते हुए देखिए इस तरह से मोती लगाती जानी है। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है, अब नीचे साइड भी जो पैटर्न बनाया है वहाँ पर भी मोती लगा लिए हैं। तो देखिए हमारा ब्लाउज डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स